नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये 800 टन झूम लाइन जो भी विंड लाइन में चल रही है, उसका आज मैं स्टार्टिंग के लिए बताता हूँ कैसे स्टार्ट करेंगे, दिखा रहा हूँ आप लोग को, बताने का प्रयास करूँगा। और अगर कुछ आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके विषय में वीडियो बनाऊँगा। देखिए अभी डिसमेंटल चल रहा है जिम लाइन 800 टन टावर रिन्यू का हो रहा है। चलता हूँ दोस्तों, स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अपना 107 टन इसका केबिन का वेट आता है, सिर्फ केबिन का वेट, जिस कंडीशन में हम लोड करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्चिंग अगर करना हो लंबा तो 107 टन इसका वेट है। चलता हूँ स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये अपना केबिन है, ये केबिन है। इसके विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा अलग से ये क्या क्या चीज़ का फंक्शन है और ये क्या क्या काम करता है। अभी मैं स्टार्ट करने के लिए बताता हूँ आप लोग को। ये डिस्प्ले है, कैमरा डिस्प्ले, ये देखिए, ये अपना मेन स्विच है, यहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद ये चाबी है अपना, इसको अपना दो बार घुमाएंगे, ये डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया। अपना डिस्प्ले ऑन हो गया, ये देखिए। यहाँ से अगर आपको कुछ चेंजिंग करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेंजिंग कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं कुछ करना है, यहाँ पे हमारा ओके है तो यहाँ से ओके कर दीजिए, हो गया। इसको म्यूट कर दीजिए आवाज़ को, हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए इसमें, ये देखिए अपना RPM 0 है। अगर स्टार्ट यहाँ से भी आप करना चाहते हैं, स्टार्ट का जो ऑप्शन दिया है इसको दाब कर रखेंगे तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चाबी से। ये देखिए, अभी देखिएगा RPM अपना बढ़ जाएगा, देखिए स्टार्ट हो गया, RPM बढ़ गया। इसका आइडल RPM है 750 और अब अपना वर्किंग टाइम में जैसा मटेरियल हो 1000 के आसपास में रख सकते हैं, बाकी आइडल में तो बहुत स्पीड स्लो चलता है। अभी आपको कुछ सेटिंग करना है तो यहाँ से सेट का जो ऑप्शन दिया है इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से आप अंदर जो भी विंच ऑन करना है या जो भी स्विंग का जो भी आपको फंक्शन ऑन करना है, मार्चिंग का या कोई भी, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के होगा। मैं बताऊँगा उसके विषय में और वीडियो बनाऊँगा इसका मेन, मैं अभी सिर्फ करंट स्टार्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से अगर हमको कुछ नहीं चेंज करना तो इंटर कर दीजिए, फिर उसके बाद मेन में आ जाइए। ये अपना हो गया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बंद करने के लिए। अभी देखिए, बंद करने के लिए हमको यहाँ से पहले करना है, इसलिए कि चाबी से अगर डायरेक्ट काट रहे हैं तो आप अभी जो स्टार्ट किए हैं, जो आवर्स मीटर था स्टार्ट करने के टाइम में, अगर डायरेक्ट आप चाबी से काट रहे हैं तो आप उतना पे ही आवर्स मीटर आपका चला जाएगा। अगर यहाँ से आपको बंद करना है, मगर ये देखिए अभी यहाँ पे मैं पुश करूँगा और यहाँ पे RPM हमारा कम हो जाएगा, करेंट अपना बंद हो गया, देखिए RPM 0 हो गया और ये मैंने दबा दिया। उसके बाद आप चाबी आप काट दीजिए, कट हो गया, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। जय हिंद दोस्तों।